हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद जो अपना एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है चैप्टर नंबर 10 वो आपको क्या दे रखा है स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये आपके क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आते हैं। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपका वही स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल और कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स को कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आपको जितने भी हैं ईजी बहुत होते हैं, क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, बाकी इंटरेस्टिंग होता है, इसके क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगेंगे। चलिए तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्ट कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, मीन्स किसी भी लाइन का हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका लाइन दे रखा होगा, इसका कुछ स्लोप होगा, स्लोप या फिर उसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं ग्रेडियंट, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मान लीजिए आपका कुछ भी लाइन दे रखा होगा, कोई भी लाइन दे रखा होगा, उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मान लीजिए आपको कोई भी दो लाइन दे रखा है तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये आपके दो लाइन्स हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्ट्रेट लाइन में मेजर पोर्शन जो आपका वो यही है, वेरियस इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो हम लोग सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इसमें आपके कई सारे आते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन में कई सारे फॉर्म होते हैं। टू पॉइंट्स फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, आपके इसमें कई सारे वेराइटीज होते हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बाद हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे किसी भी, मान लीजिए आपको कोई भी लाइन दे रखा है, पॉइंट से डिस्टेंस बताना है तो हम लोग ये देखेंगे डिस्टेंस आपका हमेशा कैसा निकालते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी आप कैसे डिस्टेंस होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होते हैं। ये सारी बातें जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन में करेंगे, बाकी बहुत सारा डेप्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग वन बाय वन करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फिर उसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। कोलिनियरिटी अभी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट भी निकाला था क्लास टेंथ में, आप लोग क्या करते थे एरिया जीरो कर देते थे या फिर किसी भी दो पॉइंट्स डिस्टेंस का ऑप्शन तीसरे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के सम के इक्वल कर देते थे। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्लोप हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसमें आपके कई सारे फॉर्म आते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले हम लोग टू पॉइंट्स फॉर्म देखेंगे, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म देखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म देखेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे, बाकी और जो भी फॉर्मेट्स होंगे वो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन देखेंगे, इसमें भी हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे और नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, वो हम लोग देखेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कोई भी आपके दो पैरेलल लाइंस दे रखा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है हम लोग वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब हम लोग इमेज निकालेंगे किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, आपको कोई भी लाइन दे रखा होगा बोलेगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज बताइए, हम लोग वो देखेंगे। फिर उसके बाद फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, देख लेंगे हम लोग, दिया होगा तो काफी डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो बोलेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, इस पर मैं अलग से दो लेक्चर ले लूंगा, बाकी मैं इसको अभी सिलेबस में कवर नहीं करूंगा। फैमिली ऑफ स्टेट लाइन मैं सिलेबस में कवर नहीं करूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उनके लिए अलग से वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब आपके ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं, ये मत समझिएगा खाली है ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, बस इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए फिर हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग किस लाइन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है और किस लाइन को, किस कर्व को हम लोग बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए, बाकी हम लोग स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखते हैं।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं किस कर्व को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है वो कब, और किस कर्व को हम लोग बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो चलिए जो आपका बेसिक डेफिनेशन होता है स्ट्रेट लाइन का वो ये होता है, किसी भी कर्व को हम लोग तब बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है जब उस कर्व के किसी भी दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करें तो वो सेम लाइन सेम कर्व पे लाई करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये आपका एक कोई भी एक लाइन है, इस पे अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए और कोई एक पॉइंट ये ले लिया मैंने बी, जब मैं ए बी को ज्वाइन करूंगा, ए बी को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये सेम कर्व पे लाई कर रहा है, तो ये आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आप कोई सा भी ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ पी और कोई भी एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ क्यू, जब मैं पी क्यू को ज्वाइन करूंगा, जब मैं पी क्यू को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये आपका किस पे लाई कर रहा है, सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए मैं कुछ कर्व और लेता हूँ, मान लीजिए एक कर्व मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ ए और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी, इस बार जब मैं ए बी को ज्वाइन करूंगा, स्ट्रेट लाइन से ए बी को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये लाइन आपका इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ऐसा कर्व जब उस पर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लें और उसको ज्वाइन करें तो वो सेम लाइन पे लाई करना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल देखा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व, ये वाला कर्व आपका स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं था, क्योंकि जब मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये सेम कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा देता हूं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन के बेसिकली आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले आप लोग समझ लेंगे फिर लिखेंगे, जिनको लिखने लिख लेंगे नहीं तो बाकी आपका आर डी शर्मा में ये दे रखा है। तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन आपका ये होता है कि स्ट्रेट लाइन, पहले मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको मत देखिए। स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग ऐसे कर्व को बोलते हैं, जिस कर्व पे हम लोग कोई भी दो पॉइंट लें और उसको ज्वाइन करें वो सेम लाइन पे लाई करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक लाइन है, इसमें आपके सभी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ होगा, कई सारे पॉइंट हैं इस लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन पे। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन पे। जब इसमें से हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स लें, मान लीजिए मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ ए और कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी, जब मैं ए बी किसी भी दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ तो सेम लाइन पर लाई करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। वही लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। और एक डेफिनेशन है, आप लोग ये पढ़ते आए हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। स्ट्रेट लाइन बेसिकली जो आपका 1 डिग्री इक्वेशन होता है वो यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी आपके कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलती हुई जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये सबको क्लियर हो चुका होगा। स्ट्रेट लाइन वैसे भी नाम से ही सब समझ में आता है, लाइन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स आप लोग ऐसे भी लाइन ले सकते हैं, अगर इस पर भी कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लीजिए मैं एक पी लेता हूँ एक क्यू लेता हूँ, जब मैं इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये आपका सेम लाइन पे लाई करेगा, तो ये आपका कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जब आप मान लीजिए ऐसे कर्व को लेते हैं, इस कर्व को लेते हैं, अब आप अगर इसमें मैं मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो ये आपका क्या होगा, अब स्ट्रेट लाइन आएगा, अब इस केस में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कर्व आपका स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं होगा, क्योंकि मैं जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ ये इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये वाला कर्व आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होगा, ये वाला भी बिल्कुल होगा। मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन की बेसिक डेफिनेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको क्लियर हो गया होगा। जिनको लिखना है वो स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे, नहीं तो बाकी आपके आर डी शर्मा में दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप कैसे हम लोग निकालते हैं।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप बोलिए या फिर आप लोग ग्रेडियंट बोलिए, स्लोप का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ऐसे समझिए। स्लोप का मतलब बेसिकली होता है कि आपका इंक्लिनेशन, वो हम लोग देखते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन हम लोग कैसे बताते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लीजिए मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, समथिंग दिस, ये आपका लाइन है, कोई भी लाइन आप इसको बोल दीजिए, ये आपका लाइन है। अगर हमको इसका स्लोप बताना है तो स्लोप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इसका स्लोप क्या होगा, चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा और इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा। इसका स्लोप क्या होगा, थीटा होगा या फिर अल्फा होगा, वो हम लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, स्लोप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हैंड साइड इधर है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ मिला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका स्लोप कितना होगा, tan phi। स्लोप कितना होगा, tan phi। इसी के tan को, tan जो आपको होता है tangent of this angle is called the slope। तो slope कितना हो जाएगा, tan phi। slope को हम लोग किससे denote करते हैं, m से denote करते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, अभी मैं लिखा दूंगा सब। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan phi। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है स्लोप। चलिए मैं आप लोग को एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए इस बार आपका लाइन ये है, इस बार आपका लाइन के, तो आप इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है, इधर है, और हम लोग कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, तो आपका कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। इसका एम कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ थीटा, अगर इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो एम डज नॉट इक्वल टू टेन थीटा। बहुत से लोग यही मिस्टेक करेंगे स्लोप निकालते वक्त, आप लोग इस एंगल को ले लेते हैं क्योंकि ये दिखता ऐसे है, तो आप लोग स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल ले लेते हैं जल्दबाजी में। ये आपका tan थीटा, एम डज नॉट इक्वल टू tan phi, ये आपका नहीं होगा, स्लोप आपका क्या होगा, tan अल्फा। पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से हम लोग कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएंगे, उसके tan जो भी आपका वहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। m इज इक्वल टू कितना होगा, tan अल्फा। यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना होगा, tan फाइव। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो जो मिलेगा उसका tan क्या होता है, स्लोप होता है। एंगल में हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं, tan अल्फा। चलिए मैं आप लोगों को एक बार लिखा देता हूँ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन, तो आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाएगा। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको स्क्रीन पास करके। द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। आप लोग समझने के लिए अपने इसको बना लीजिएगा दिस, तो अगर मान लीजिए आपका ये आता है, इसको मैं थीटा बोलता हूँ, तो एम इज इक्वल टू आपका कितना होगा, टेन थीटा। ध्यान से देखिए, एम स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। लिख लीजिएगा डिनोटेड बाय एम, आप लोग लिख लीजिएगा स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। या फिर मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये आपका थीटा है, तो स्लोप कितना होगा, टेन थीटा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, तो हमको जो मिलता है उसका टेन क्या होता है, आपका स्लोप होता है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। बाकी इसमें आपके और भी कंडीशन आते हैं, आपके कब पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे, आप लोग वो देख सकते हैं। मान लीजिए इसी लाइन को भी मैं इसी लाइन को इसे पकड़ के इसको इसे नीचे लाऊं, नीचे लाऊं, इतना लाऊं एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए, तो उस केस में आपका थीटा क्या होगा, या फिर इसको मैं पकड़ के ऐसे ले जाऊं इसको परपेंडिकुलर कर दूं, तो उस केस में आपका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। आपका कहां डिफाइन नहीं होता है, 90 पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये सारी बातें जो इनके कंडीशंस हैं परपेंडिकुलर की और पैरेलल की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी आज हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। बाकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और जो आपका पैरेलल का कंडीशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। जिनको जो भी कुछ भी डाउट रह गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
बाकी अभी कुछ थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कितने भी क्वेश्चन आप कीजिए उतने ही क्वेश्चन कम होते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो कितने भी क्वेश्चन बने आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी कुछ थ्योरी वाले पार्ट चल रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो आप लोग यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा, अभी तो हम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।